सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन। आज मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाह रहा हूँ, एक आपके समक्ष एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। इसके शायर और गीतकार ये शहरयार हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी गज़लें लिखी हैं और इनकी ये गज़ल जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको, ये 1978 में आई फिल्म गमन में भी ली गई थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये फिल्म 1978 में आई थी गमन, और इसमें ये गज़ल काफ़ी चर्चा में रही थी और काफ़ी रेडियो पे काफ़ी आती थी। तो ये गज़ल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। आप थोड़ा ध्यान देकर इसको गज़ल को पूरी सुनने और देखने की कृपा करें। तो चलो शुरू करते हैं ये प्यारी सी एक गज़ल। सीने में जलन, सीने में जलन, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, नीमे जलन, आँखों में दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेसावे जान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेसावे जान सा क्यों है, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीकों, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीकों, ताहद ये नजर एक बयावान सा क्यों है, ताहद ये नजर एक बयावान सा क्यों है, सीने में जलन, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आई ना हमें, आई ना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आई ना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आई ना हमें देख के हैरान सा क्यों है, सीने में जलन, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने को बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेसाओ बेजान सा क्यों है, सीने में जलन, सीने में जलन, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है,
रखी रफीकों तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीकों ताहद ये नजर एक बयां बान सक्यों है सीने में जलन आँखों में तो फान सक्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान सक्यों है क्या कोई नई बात नजर आती है हमें क्या कोई नई बात नजर आती है हमें आईना हमें देख के है रान सक्यों है आईना हमें देख के है रान सक्यों है सीने में जलन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गज़ल इस प्रसिद्ध शायर शहरयार की हमने प्रस्तुत की है और उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।